हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपकी दोस्त वर्षा। एंड मुझे आपसे एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। चलो मैं गुड न्यूज़ से शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने TCS को छोड़ दिया है एंड हमने लग्जमबर्ग की ही कंपनी ज्वाइन कर ली है। देन अब हम यहीं रहेंगे, बिकॉज अगर हम TCS में रहते तो फिर हमें दिसंबर में वापस आना था। बट हमने फैसला लिया कि देखो, हमारे बाहर जॉब करने के दो रीजन्स हैं। फर्स्ट है कि यहाँ पे इनकम अच्छी है एंड यही टाइम है आशु का भी मेरा भी कि हम अर्न करें, बिकॉज हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर आ जॉब हमें पेंशन मिलेगी, सो ऐसा कुछ है नहीं। तो यही टाइम है कि हम अर्न करके एक सेविंग कलेक्ट कर लें अपने लिए, ताकि हम बुढ़ापे में एक अच्छी लाइफ जी पाएं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई हम चाहते हैं कि हम बाहर जॉब करें, क्योंकि बाहर कंपेयर टू इंडिया पैसे ज़्यादा हैं। ये तो मतलब ऑब्वियस है ना। तो दैट इज़ वाई हमने डिसीजन लिया कि हम बाहर स्विच मार लें, बिकॉज हमें नहीं पता था हम TCS हमें वापस भेजती, उसके बाद हमें कब बाहर भेजती। एंड दिस इज द टाइम कि हमें ये हमारे पास 5 से 10 साल हैं, जिसमें हमें अर्न करके कुछ इन्वेस्टमेंट लेनी, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ भी अपने बुढ़ापे के लिए सेव करना है। सो दिस इज द टाइम। सो दैट इज़ वाई हमने ये जॉब स्विच कर ली एंड आशु जॉब कर रहा है। मैं भी अभी क्या कहते हैं, बिकॉज नविका की वजह से मैं पहले सेटल होने का सोच रही थी कि सेटल हो जाए। सो नाउ आई विल ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स। एंड अगर मेरा यूट्यूब चल गया तो मुझे वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी मेरा यूट्यूब इतना खास चल नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ेगी। तो या बैड लक फॉर इन दिस केस। बट या मैंने सोचा कि अगर जिस दिन मेरा यूट्यूब बहुत अच्छा चल गया तो फिर मैं जॉब नहीं करूँगी, फिर तो आराम से यूट्यूब से कमाएंगे। और नविका है, नविका के साथ उसमें टाइम स्पेंड करूँगी, साथ टाइम स्पेंड करूँगी। मेरा तो यही था, बट मेरा यूट्यूब इतना भी खास चल नहीं रहा है, सो जॉब करनी पड़ेगी एनीवेज। सो यही रीज़न है कि अब हमने जॉब स्विच मार लिया, अब हम यहीं रहेंगे। चलो अब ये तो हो गया। सो आज क्या है, आज वैसे कुछ कुछ खास नहीं है, बट इज जस्ट दैट कि आज मैं फर्स्ट टाइम नविका के साथ अकेले सुपरमार्केट जाने वाली हूँ, बिकॉज मैं जब से आई हूँ मैं नविका के साथ अकेले कहीं नहीं गई हूँ, हमेशा आशु रहता है। सो आशु की अब जो जॉब है वो मॉर्निंग टू इवनिंग होती है, बट उसके आने जाने में बहुत टाइम लग रहा है। पहले क्या होता था, जब आशु का जो पहले जो ऑफिस था वो था बिल्कुल बेलवाल प्लाजा के सामने, मतलब ये उसकी बिल्डिंग है और वहाँ बेलवाल प्लाजा है, तो कुछ भी चीज़ शॉपिंग करनी होती थी तो वो 10 मिनट का ब्रेक लेकर वहाँ से लेकर आ जाता था चीज़ें। तो अब वो ऐसा नहीं है, अब वो सिटी जाता है, सिटी से भी थोड़ा सा आगे जाता है, तो उसको लगा लो जाने में 1.5 घंटा, आने में 1.5 घंटा, तो टोटल उसका ट्रैवलिंग आवर 3 घंटा हो जाता है। एंड जब तक वो आता है शॉप्स बंद हो जाती हैं, तो यहाँ पे शॉप्स 6-7 बजे बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर वो अपना कार देकर गया है, सो सामने बिल्कुल सुपर मार्केट है, ऐसा है नहीं कि हमें बस लेनी है कुछ लेना, सामने सुपर मार्केट है। तो आज नविका के साथ मैं सुपर मार्केट जाऊँगी दूध खरीदने, नविका का, क्योंकि दूध खत्म हो रहा है। बेसिकली हमने सोचा हम दूध यहीं से लिया करेंगे, एक तो सामने पड़ता है क्योंकि दूध भारी होते हैं, हम 6 लीटर लेकर आते हैं एक साथ। एंड देखते हैं नविका कैसे बिहेव करती है, क्योंकि अगर ये ढंग से बिहेव नहीं करेगी तो फिर मैं इसके साथ अकेले नहीं जाऊंगी, यह तो मैंने सोच रखा है। जहां ये मुझे परेशान करेगी मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। तो चलो चलते हैं, अभी रेडी वेडी, पहले मैं जरा बर्तन धो दूं, थोड़ा सा दिन का खाना बना दूं नविका के लिए हमारे लिए, एंड देन फिर हम चलेंगे दोनों के दोनों शॉपिंग करने। दूध के अलावा वैसे अपना कार्ड देकर गया है, तो उसकी गलती कार्ड देकर क्यों गया है वो, तो अब कार्ड देकर गया है तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। चलो वो देखो मेरी शैतान बच्ची, एंड डोंट माइंड, प्लीज ये माइंड मत करना, क्योंकि बच्चे के साथ ना एक तो नहीं क्यों कभी कभी नीचे सो जाती है, नीचे एज इन की सोफे में सो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे भी एक रजाई रखी हुई है कि हाँ ये सो रही है तो इसको उड़ा दें। एंड देन ये पूरा फैला देती है, मतलब यार बच्चे के साथ ना मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या चीजें करूँ, मतलब मैं अभी सफाई करती हूँ, मैं यहाँ पे सफाई करना शुरू करती हूँ, वहां पे वो बिखेरना शुरू कर देती है, वो भी तब जब अभी उसके पास हमने खिलौने अभी दिए नहीं है, वो खिलौने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो बर्तनों के साथ ही खेल रही है, हमारे बर्तनों के, हमारे जज्बात के साथ खेल रही है वो, तो अभी खिलौनों की जरूरत है नहीं उसको। बट हाँ अभी, अब धीरे धीरे करके जब बड़ी होगी तब उसे खिलौने अभी उसे खिलौने नहीं समझ आ रहे, टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे उसको कुछ भी देते हैं, प्लस जब हम बाहर भी जाते हैं खिलौनों को इतना कुछ नहीं देखती है वो, मतलब उसे इंटरेस्ट नहीं है,
तो आई थिंक अभी जब 2 साल की हो जाएगी शायद उसे तब इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भैया इन खिलौने के साथ खेलना, क्योंकि अभी वो किसी चीज को देख के ना एक्साइटेड नहीं हो रही है, जैसे बच्चे खिलौने को देख के होते हैं ना, ये अभी एक्साइटमेंट नहीं दिखा रही है। और रीजन ये भी है कि अभी ना जब स्ट्रोलर में बैठते हैं उसे उतरते नहीं, जब हम बाहर जाते हैं या तो उसे गोदी चाहिए या उसे स्ट्रोलर में बैठना है, उसके अलावा वो उतरती वो नीचे पैर रखती ही नहीं है, बिकॉज उसके अंदर शायद डर है कि हम इसको छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा हमें लगता है, बिकॉज वो नीचे पैर रखती ही नहीं है। तो अब धीरे धीरे करके वो डर भी खत्म होगा, जब वो डर खत्म होगा तभी वो चीजों को जाके देखेगी समझेगी तब जिद करेगी। तो फिर या सो ये रहा मेरा घर, और वो जो ग्रीन दिख रहा है वो रहा हमारे सुपरमार्केट, और नाविका को भी बिठा दिया है, तो चलो सुपरमार्केट की तरफ। वो कैसा लग रहा है आज? पापा तो है नहीं, पापा के बिना मम्मा और नाविका घूमी घूमी जा रही हैं। पर मौसम ही थोड़ा ठीक हो रहा है, मतलब ठंड है, 2 डिग्री हो रहा है और हम पहुंच गए। हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना, दूध ले रहे हैं, कॉफ़ी, एंड डिपेंड करेगा मुझे आशु को कितना लूटना है उस हिसाब से। नाविका का तो मिल्क केक लेना ही लेना है, ये कौन सा फ्लेवर है? एक ये फ्लेवर तो है, एंड या ये है 6 यूरो 24 सेंट। ओह माय गॉड, ये तो बहुत भारी है। एंड यार माय फेवरेट कॉफी, तो थोड़ा सा घूम कर फिर चलते हैं, जरा मैं देख लूँ जरा और कुछ लेना हो तो। तो अब हम बिलिंग करा रहे हैं, ले लिया मेरा सामान लेना था, नाउ इट्स टाइम फॉर द बिलिंग। तो अब हम आ गए बाहर, नविका रोने लगी थी तो नविका को क्या दिया, देखो चॉकलेट दी वहाँ पे जो काउंटर में थी, तो उसने नविका को चॉकलेट दी, बिकॉज नविका स्टार्टेड क्राइंग। नविका इज अ बैड गर्ल, बैड बैड गर्ल है ना नविका, बस रोने लग जाता है जब देखो। चलो अभी सड़क क्रॉस करनी है तो बाय कर दो, बाय बाय। सो हमारी शॉपिंग हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने, कितने सामान लिए मैंने, एक मैंने हमने तक दूध लिया है, मेरी 2 कॉफ़ी एंड मैंडलिन्स फॉर नविका, एंड नविका के लिए उसका फ्लेवर्ड मिल्क है, उसे वो बहुत पसंद है, वो लिया है, बस इतना ही कुछ लिया और कुछ। एंड या आज मैंने देखा वहाँ पे चिकन थे, मतलब जिस टाइम हम पहले गए थे ना तब यहाँ पे चिकन नहीं थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे, इस बार आ रखे थे चिकन, एंड उनका कॉस्ट भी सही था, मतलब कुछ इतना महंगा नहीं था, डेलाइस के ही जैसा था। सो आई थिंक यहाँ से हम चिकन ले सकते हैं इमरजेंसी में, इमरजेंसी है, जैसे अभी मेरे घर में चिकन नहीं है एंड मेरा खाने का मन है तो मैं ले सकती हूँ, मैं आशो को बोल सकती हूँ कि हम यहाँ पे आके चिकन ले सकते हैं। एनीवेज दिस इज़ इट, होप यू लाइक माय वीडियो एंड
आज एक्सपीरियंस ठीक था, मतलब नविका के साथ शॉपिंग करना तो नहीं हो सकता, ये तो मैंने देख लिया है, बिकॉज इसका मूड का पता नहीं रहता, तो इसलिए मैं मतलब मैं रिस्क नहीं लेना चाहती है। वैसे भी कम सामान था तो ठीक है, किस दिन ज़्यादा सामान हुआ तो बिलिंग में ज़्यादा टाइम लग गया, तो लाइन भी नहीं थी बिलिंग में ज़्यादा, अगर लाइन होती तो ये और होने लग जाती। सो हाँ, बिना इसके पापा के तो ये रिस्क नहीं लेने का मेरे को। एनीवेज, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज, यू टेक केयर, बाय बाय। आई मैं इससे कन्फ्यूज इतना लग रही हूँ बिकॉज मैं भूल गई मेरा घर कौन सा है। चलो बाय बाय।